प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम सब एनिमल्स के विषय में पढ़े थे और आज हम सब फ्रूट्स के विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में लास्ट की मीनिंग PIG स्पेलिंग तो हमने पढ़ाया था, लेकिन उसका उच्चारण न बता करके उसका अर्थ बता दिया था। ध्यान दीजिएगा उस पर। वीडियो देखते समय PIG पिगमीस शुगर था। तो आज हम लोग फ्रूट्स नेम के विषय में पढ़ेंगे। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। 7 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, 7 फलों के नाम। तो देखते हैं APPLE। प्यारे बच्चों, कहीं पर दो लेटर साथ में आते हैं तो उसे डबल बोलते हैं। जैसे यहाँ ये नहीं कि ए और PP नहीं कहेंगे, इसे APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। तो आप सब सेब खाए हैं तो बच्चे तुरंत बताएंगे, हाँ सर जी सेब खाए हैं। तो प्यारे बच्चों, सेब को ही इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। बच्चे सेब को इंग्लिश मीनिंग और स्पेलिंग के विषय में जान जाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा गया है APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब और इक्वल के आगे यहाँ देखिए एप्पल। एप्पल यानी कि APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब, फिर से APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 लिखा गया। 7 नेम्स यानी कि 7 फलों के नाम। पहला देखा हमने एप्पल, दूसरा है बनाना, तीसरा है पपाया, चौथा है ग्रेप्स और पांचवा है मैंगो, छठा है ऑरेंज और सातवां है गुआवा, अमरूद। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं फिर से ऊपर से दूसरे फल के नाम की स्पेलिंग। BANANA से होता है बनाना। बनाना मीन से, प्यारे बच्चों आप सब बताइए, बनाना मीन से केला। बच्चे केले को बड़ी चाल से खाते हैं और जानते भी हैं। तो आप सब स्पेलिंग को याद करिए। अभी तक तो आप सब केला हिंदी में जानते थे, अब आप सब इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग के साथ इसकी अंग्रेजी को याद करिए। देखते हैं BANANA से होता है बनाना। बनाना मीन्स केला। अगले नाम की स्पेलिंग पर चलते हैं। लिखा गया है पपाया। क्या? पपाया, PAPAYA, PAPAYA से क्या होता है बेटा? पपाया। पपाया मीन से पपीता। पपीता अधिकतर तो हमारे आपके घर पर ही पेड़ लगाए गए हैं। पपीते के विषय में आप सब भलीभांति से परिचित हैं और इसकी स्पेलिंग भी याद कर लें। पपाया मीन्स पपीता। अगली स्पेलिंग पर चलते हैं।
GREPES, क्या पढ़ा हमने? फिर से एक बार देखते हैं, GREPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। अंगूर खाने में कैसा होता है बच्चे जानते हैं अंगूर के विषय में, और खाए भी हैं। ग्रेप्स के विषय में तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अंगूर के नाम से तो भली भांति से परिचित हैं, क्योंकि मम्मी या पापा मार्केट जाते हैं तो अंगूर, सेब, बनाना सब फ्रूट्स लाते हैं बच्चों के लिए। बच्चे हिंदी नेम से परिचित हैं, और आज हम आप सबको अंग्रेजी में स्पेलिंग सहित आपको बता रहे हैं, आप सब इसकी अंग्रेजी और स्पेलिंग याद करें। तो ग्रेप्स, GREPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ग्रेप्स को देख करके इसके आगे दो बार, कॉपी में काफ़ी जगह होती है एक पेज पे बेटा, आराम से इक्वल के आगे दो बार आप लिख सकते हैं, आपका रिवीजन भी होगा और याद भी होगा, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। तो चलते हैं अगली मीनिंग पर, अगले फ्रूट नेम पर। MANGO, मैंगो। MANGO से मैंगो। मैंगो मीन्स आम। इस साल, इस वर्ष आम की अच्छा, आम में अच्छा फल आया था, प्रकृति ने साथ दिया था। आप सब ने आम के विषय में जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फल है। तो प्यारे बच्चों, अगली मीनिंग पर अगले नाम की स्पेलिंग देखते हैं। अगला फ्रूट्स नेम क्या है? ORANGE, ORANGE से होता है ऑरेंज। क्या होता है ऑरेंज? ऑरेंज मीन्स संतरा। संतरे आप सब खाए हैं, और इसकी स्पेलिंग भी याद कर लें। तो बेटा, लास्ट की स्पेलिंग यानी लास्ट का फ्रूट्स नेम GUAVA, GUAVA, गुआवा। गुआवा मीन से होता है अमरूद। क्या होता है अमरूद? इस समय अमरूद की सीजन चल रही है, यानी कि अमरूद बड़े पैमाने पर निकल रहा है। मौसम के हिसाब से आप सबके अगल बगल, आप सबके घर पर अमरूद का वृक्ष यानी पेड़ यानी ट्री इंग्लिश में कह सकते हैं होगा, और आप इससे भली भांति से परिचित हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब सेवन नेम्स ऑफ फ्रूट्स यानी कि सात फलों के नाम को पढ़े हैं, और इसे घर पर कॉपी में कॉपी करेंगे और इसे याद करेंगे। इसके आगे की वीडियो में आपको आगे से पढ़ाया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।